तो झारखंड मंत्रालय की तस्वीरें देख रहे हैं जहां की आज कैबिनेट की बैठक चल रही है, और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए कि कितने सारे जो संगठन की हैं वह यहां पर, महिला हो या पुरुष हो, वह यहां पर जो है देखिए किस तरीके से जब पहुँचे हैं। सभी सभी को उम्मीद होती है कि आज कुछ न कुछ इन्हें जो है मिलेगा और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे। आप देखिए कि किस तरीके से जो है हेमंत सोरेन से मांग की जा रही है, NRETP के जो कर्मचारी है वह यहाँ पर, महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई है। क्या मैडम आप लोगों का मांग आज पूरा होगा कैबिनेट में? हम लोग पूरा करने के लिए ही तो यहाँ पर खड़े हैं और मुख्यमंत्री सर से मिलेंगे कि हम लोग को तुरंत NRLM में करके हम लोग को पेमेंट हम लोग को दिया जाए, पेमेंट हम लोग को दिया जाए। क्या अभी तक नहीं मिल रहा है? नहीं मिला है। क्या कहाँ के कर्मचारी, कितने कर्मचारी आप लोग का? हम लोग का अंदर जाने नहीं दिया गया आप लोग? हम लोग का अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ साथी है कि नहीं अंदर में? हम लोग पूरा, हम लोग के साथी हम लोग सब यहीं खड़े हैं। कुछ भी कोई भी साथी है? नहीं नहीं, उधर नहीं। तो फिर कैसे मांग, कुछ कैसे पता लगा? वो हम लोग का हो गया है तो हम लोग का धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम लोग आए हुए हैं। कि हो गया कल का जीडी में हो गया, निकाय की छठ में चला, जानकारी मिला कि हो गया आप लोगों का? हो गया है। क्या मुख्यमंत्री जी को कल बनाने आए हैं? कल की जो जीबी बैठक हुई थी ना, उसमें हम लोगों का सब कुछ क्लियर हो गया है। आज हम लोग सारे लोग जो है L5 के लोग मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ पे बहुत जोर शोर से सारे 17-18 जिले से हम लोग 250 लोग पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद देने आए हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी, हाँ अंसारी जी को, साथ में CM को। हाँ अंदर जाने नहीं दे रहा? नहीं नहीं, हम लोगों को यहीं पे अभी रहने के लिए बोला गया, मंत्री जी खुद आएंगे यहाँ पे, हम लोग फिर मिलेंगे। मंत्री जी खुद आएंगे और इन लोगों को जो है मिलेंगे, मुलाकात, बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए जो है सभी देखिए पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बुके हाथों में। किन के लिए लाए गुलदस्ता? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है, हेमंत सोरेन जी के लिए है, और मुख्यमंत्री जी के लिए, और माननीय पूरा हुआ है। हाँ हम लोग का मांग पूरा हो गया। हम लोग JSLPS के कर्मी हैं, जिसमें से हम लोग का 3 परियोजना था। मैं सुनील वेराय के गिरिडीह जिला से आए हैं, और जिसमें से NRTP, MKSP, ज्वार तीनों परियोजना समाप्त हो चुकी थी अवधि, जिसको माननीय मंत्री जी के द्वारा पुनः कल एक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग करके और सभी स्टाफ लगभग 400 लोगों की पुनः NRLM में एक सभी को मर्ज कर दिया गया है, और पुनः सभी को जिस तरह से थे शुरुआत कर दी गई है। चलिए तो सभी को जो है वापस जो है दिया गया। आप देखिए कि कई सारी महिलाएं भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। मैडम किन के लिए आए हैं आप? स्वागत के लिए, मंत्री जी के लिए। जी स्वागत करने के लिए। हाँ देखिए तो मंत्री जी का स्वागत करने के लिए जो कैबिनेट की बैठक है, और ये तमाम जो है बैनर पोस्टर लेके यहाँ पे पहुँचे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है बधाई देने के लिए। क्या मैडम बधाई देने के लिए आए हैं आप लोग? जी सर, हम लोग बधाई, मांग पूरा हुआ आप लोग? मांग पूरा हो गया है। हम लोग का मतलब अभी तो FTE का मांग था हम लोग का, लेकिन अभी हम लोग का सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, 4 साल से। हम लोग 384 क्या मांगे थे आप? हम लोग परमानेंट के लिए मांगे थे, मतलब FTE के लिए किए थे हम लोग, फिक्स टर्म में लेवल HR में जोड़ने का बात किए थे Level 7 में। तो अभी हम लोग का इंक्रीमेंट हुआ है, और अभी पता नहीं चला है फिलहाल, लेकिन इतना तक पता चला है कि इंक्रीमेंट के लिए, तो हम लोग बधाई देने के, मतलब हम लोग शुक्रिया करने आए हैं सर को। बधाई और शुक्रिया देने के लिए आए हुए हैं। देखिए कितने सारे जो है फूल माला लेकर यहाँ पर जो है सभी पहुँचे हुए हैं। आप देखिए कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। झारखंड मंत्रालय देखिए, सामने झारखंड मंत्रालय की तस्वीर है, कैबिनेट की बैठक चल रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए कितने सारे कर्मचारी जो है यहाँ पर बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए सभी ताली बजा कर जो है बधाई दे रहे हैं। स्पेशल टैंक खोलने के लिए हम लोग एक दिन अलग से रखे हैं सर, क्या कहेंगे? सभी लोग पहुंचे हुए हैं, आप लोग कैबिनेट की बैठक चल रही है। झारखंड राज्य जो आजीविका कंप्यूटर ऑपरेटर संघ है, और क्या धरना प्रदर्शन? जब धरना प्रदर्शन नहीं था, 22 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया था इनके जायज मांगों के लेकर के, जिसमें मैं झारखंड राज्य राजपत्र कर्मचारी महासंघ का महामंत्री सुनील कुमार शाह, और इन लोगों का वेतन विगत 3 वर्षों से 1 भी रुपया बढ़ोतरी नहीं थी, 14,000 रुपया एकमात्र मानदेय दिया जा रहा था। इस महंगाई के लेकर के हमने इसकी लड़ाई, मांग पूरी हुई, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जो झारखंड के लाल हैं, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनका हम स्वागत करने आए हैं, हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का, उनका स्वागत करने आए हैं, और आज हमारी लड़ाई यहीं तक नहीं है, हम अपनी आगे की लड़ाई लड़ेंगे।
इनको फिक्स टर्म लेवल 7 में पहुंचाएंगे, अस्थाई समायोजन भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो अस्थाई पहुंचाएंगे सभी को, और देखिए ढोल नगाड़े जो है यहाँ पर बज रहे हैं स्वागत करने के लिए यहाँ पर सभी जो है झारखंड मंत्रालय में। देखिए किस तरीके सामने में जो है सभी बधाई और शुभकामनाएँ दे रहे हैं।